नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। हम हैं आपके दोस्त और होस्ट धर्म दुबे। आप देख रहे हैं देसी भारत चैनल। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा की एक प्रख्यात सिंगर हैं, नाम है निशा दुबे। अपनी हॉटनेस को लेकर, अपनी आवाज को लेकर हमेशा ही ये सुर्खियों में होती हैं। अपने फैंस के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ हॉट तस्वीरें, वीडियोस और जहां काम करती हैं उस सेट से वीडियोस वायरल करती रहती, पोस्ट करती रहती हैं, जिस पर खूब सारे कमेंट भी आते हैं। लेकिन आज निशा दुबे ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की है इंस्टाग्राम पर जो कहीं ना कहीं बवाल मचा रही है। लोग उन्हें सलाह भी दे रहे हैं। सलाह क्या दे रहे हैं आपको जरूर हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखें कि निशा दुबे ने कौन सी तस्वीर शेयर की है। निशा दुबे भोजपुरी की सिंगर हैं, निशा दुबे, और उन्होंने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसके बाद फैंस का गुस्सा सर चढ़कर बोलने लगा। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ की, तो कुछ लोगों ने निशा दुबे को सलाह तक दे डाली है। क्या सलाह दी है, अब ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दरअसल निशा दुबे ने आज एक ब्लैक स्लीवलेस टॉप में फोटो शेयर की है जिसमें वो बेहद हॉट लग रही हैं। उनकी इस फोटो को कुछ ही देर में हजारों लाइक्स भी मिल चुके हैं। निशा ने अपने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है, ये गाल पे तिल कैसे हुआ समझ नहीं आया, मैंने तो बनाया नहीं। वैसे तो निशा ने अपने चेहरे से जुड़ा सवाल अपने फैन से किया, लेकिन लोगों का ध्यान उनके चेहरे पर नहीं, उनके शरीर पर पड़ गया। कुछ लोगों ने उन्हें कमेंट पर दुपट्टा ओढ़ने की सलाह दी, वहीं कुछ लोगों ने फोटो पर अभद्र टिप्पणी भी की है। बहरहाल निशा के अधिकतर फैंस को उनका ये अंदाज बहुत पसंद आया और सबने उनकी कमेंट में तारीफ भी की है। निशा दुबे का हाल ही में रिलीज हुआ भोजपुरी गाना रिमझिम बारिश बरसने लगा बेहद लोकप्रिय हुआ था। इस गाने में निशा दुबे ने लाल साड़ी पहन बारिश में आग लगा दी थी। लोग उनकी तुलना टिप टिप बरसा पानी गाने की अभिनेत्री रवीना टंडन से करनी शुरू कर दी। गाने को लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। इसके अलावा उनका एक और गाना मरले बड़ुए तसला से भी कुछ दिन रिलीज हुआ था, जिसे बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी थी। लेकिन निशा दुबे की इस तस्वीर ने फिर आज सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। और इस तस्वीर को देखने के बाद आपकी जहन में क्या आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी तरह की न्यूज़ के लिए, इस तरह की खबरों के लिए बने रहें देसी भारत के साथ। नमस्कार।